तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनल बिल्स के बारे में, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि जब साइट पे काम खत्म हो जाता है तो फिर हमें क्या करना होता है, फाइनल बिल को सबमिट करना होता है। तो उसका एक जो पूरा प्रोसीजर है वो क्या है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं फाइनल बिल को बनाने के टाइम पे। दूसरा, जब मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि जो एक नॉर्मल या फिर स्मॉल प्रोजेक्ट्स के जो बिल होते हैं तो उनमें कौन कौन सी शीटें सबमिट होती हैं, और जब आपका एक प्रोजेक्ट मेजर वैल्यू के प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, यानी कि जब प्रोजेक्ट की जो कंडीशंस वो जब ज़्यादा इलेबोरेट हो सकती हैं तो उसमें कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो ये दो वीडियो के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इसको ऐसे समझेंगे कि जो बेस होगा हमारा, वो बेस तो हमारा यही रहेगा, यानी कि फाइनल बिल को सबमिट करने के लिए हमें ये डॉक्यूमेंट्स की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, वो जिस टाइप का बिल हो, चाहे वो मेजर हो चाहे वो नॉर्मल हो। लेकिन उस बिल के साथ में कुछ एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और जुड़ जाते हैं, वो आपके इस स्लाइड में दिखाए हुए हैं। तो इसको आज हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि फाइनल बिल का एक पूरा प्रोसीजर क्या होता है। और दोस्तों, ये जो फाइनल बिल का जो प्रोसीजर है, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स इसमें इंक्लोज्ड होंगे, यानी कि ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स, तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपके सभी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स पे एप्लीकेबल होते हैं। तो यानी कि बेसिक जो हम मैं समझाऊंगा वो मैं आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट ही लेके चलूंगा, क्योंकि ये इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है, यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन फाइनल बिल के प्रोसीजर में जो नीचे के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये आपके दसों टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में लग सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें मैंने क्लियर कर दी, तो चलिए आज का टॉपिक फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहली लाइन लिखी हुई है, ऑल डॉक्यूमेंट्स शैल रिमेन एज सबमिटेड इन आरए बिल्स, यानी कि जो आपका आरए बिल का प्रोसेस पहले से चला आ रहा था तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो वो रहेंगे ही रहेंगे सेम फॉर्मेट में, लेकिन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी एडिड, यानी कि ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें और जुड़ जाएंगे, जैसे कि स्नैग लिस्ट एंड रेक्टिफिकेशन वर्क लिस्ट। फाइनल बिल सबमिट करने से पहले साइट पे क्या होता है कि जहां पर आपके डिफेक्ट्स हैं, रेक्टिफिकेशन है, तो उसकी एक प्रॉपर पूरी स्नैग लिस्ट होती है। तो वो जो स्नैग लिस्ट है तो वो प्रॉपर पूरी क्लियर हो गई है या नहीं हो गई है, तो उसकी एक ड्यूली अप्रूव्ड शीट होती है जो कि साइट इंजीनियर या फिर जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है वो उसको अप्रूव करके देता है। तो फाइनल बिल में इसके रेक्टिफिकेशन की ये वाली लिस्ट सबमिट होती है कि जो क्लाइंट है या कॉन्ट्रैक्टर है वो इंश्योर कर ले कि सारे जो रेक्टिफिकेशन के काम थे वो कॉन्ट्रैक्टर ने ठीक कर दिए हैं या नहीं कर दिए हैं। इसके बाद में एक सीट होती है हमारी हैंडिंग ओवर रिकॉर्ड्स, यानी कि अगर वो रेजिडेंशियल यूनिट्स है तो उसमें कितने फ्लैट उसने हैंड ओवर कर दिए हैं कॉन्ट्रैक्टर ने काम को खत्म करने के बाद में, या अगर कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो उसमें कितने फ्लोर वाइज लिस्ट होती है। तो जिस टाइप का प्रोजेक्ट होता है तो उसी के हिसाब से एक हैंडिंग ओवर रिकॉर्ड्स की भी प्रॉपर फाइल होती है, तो वो फाइल भी सबमिट हुई है या नहीं हुई है तो उसको भी आपको फाइनल बिल के केस में लेना होता है या कॉन्ट्रैक्टर को सबमिट करना होता है। इसके बाद में दोस्तों एक हमारी शीट होती है गारंटी ऑफ वाटरप्रूफिंग वर्क्स एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, यानी कि जो भी उसने एप्लीकेशन से रिलेटेड काम किए हैं और कॉन्ट्रैक्ट के आइटम में या जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क ऑर्डर अवार्ड किया गया है, तो उसकी जो एक गारंटीज का प्रॉपर पूरा फॉर्मेट होता है और उसको एग्जीक्यूट करना होता है एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे। तो क्या कॉन्ट्रैक्टर ने जो भी वाटर प्रूफिंग से रिलेटेड काम किए हैं तो उसकी गारंटी का फॉर्मेट सबमिट किया है या नहीं किया है, तो इसको भी आपको चेक करना होता है। इसके बाद में है हमारा टेक्निकल मैनुअल्स। देखिए बेसिकली एमईपी के जो बिल्स होते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं जो प्लम्बिंग है, फायर फाइटिंग है, तो इनमें क्या होता है कि आपके पंप्स वगैरह यूज होते हैं, तो वो जितने भी WTP प्लांट है या STP है या जो भी उसका UG टैंक का जो भी प्रोसेस का एक सिस्टम है, तो उसके जो टेक्निकल मैनुअल्स को उसने सबमिट किया है या नहीं किया है, तो इसका भी रिकॉर्ड हमें लेना होता है फाइनल बिल के केस में। मीन कि अगर किसी भी टाइप का आपका इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई भी आइटम है तो आपको उसका टेक्निकल मैनुअल जरूर लेना है, वो कोई भी इलेक्ट्रिक
कल वर्क ऑर्डर के केस में भी कोई भी मशीन कुछ भी हो सकती है। इसके बाद में दोस्तों है स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, यानी कि इसको आप ऐसे समझिए, सपोज कोई बिल्डिंग हैंडओवर हुई है और आने वाले टाइम में सपोज उसकी टॉयलेट में या किसी भी एरिया की कोई टाइल है या पत्थर है वो अगर टूट जाता है, ये टाइल के केस में बेसिकली ज्यादा होता है, तो उसमें क्या है कि जरूरी नहीं है कि आने वाले टाइम में आपको उसी शेड की उसी कलर की टाइल मार्केट में ही मिल ही जाए, तो उसके लिए एक मटेरियल का छोटा सा स्टॉक भी हमें लेना होता है कि इन फ्यूचर अगर कोई भी रेक्टिफिकेशन का काम हो तो वो सेम टाइल या सेम उसी मैच कलर की शेड में वो मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो। अगर इनकेस ऐसा नहीं होता है तो उस एरिया की आपको पूरी टाइल चेंज करानी पड़ सकती है, कब, फ्यूचर के केस में। तो एक ये वाली भी लिस्ट होती है कि कौन कौन से मटेरियल्स क्लाइंट ने डिमांड किए हैं और कॉन्ट्रैक्टर ने वो मटेरियल्स प्रोवाइड किए हैं या नहीं किए हैं। और दोस्तों फाइनल बिल के साथ में कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है वर्चुअल कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये वर्चुअल कंप्लीशन, आप इसको थोड़ा ध्यान से इसको फोकस करें वर्चुअल पे, ये आपका वर्चुअल कंप्लीशन सर्टिफिकेट है ना कि सक्सेसफुल कंप्लीशन, क्योंकि वर्चुअल कंप्लीशन यानी कि ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं तो ये बनाया जाता है जब आपका फाइनल बिल सबमिट होता है। तो उसमें दो चीजें मेन होती हैं, एक तो आपकी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू वो कितनी थी और फाइनल बिल कितने पे क्लोज हो रहा है। इसके बाद में अगर उसमें ईओटी यानी कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम, यानी कि मैंने आपको बताया था कि आपकी एक ईओटी की भी शीट भी होती है, तो ये लेटर भी उसमें लगा होता है, क्योंकि वो कंफर्म करता है कि वो प्रोजेक्ट जो है कितने दिनों में खत्म होना था और उसकी जो एज एक्चुअल डेट है कंप्लीशन की यानी कि वर्चुअल कंप्लीशन की वो कब की है। तो आपको ये वर्चुअल कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी लेना होता है। इसके बाद में हमारी एक शीट होती है नो ड्यूज एंड क्लेम सर्टिफिकेट, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर फाइनल बिल के साथ में एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे एग्जीक्यूट करके देगा, यानी कि उसका जो ड्यू है या फिर कोई भी क्लेम है इस फाइनल बिल के बाद में, यानी कि वो कोई भी क्लेम नहीं करेगा किससे, क्लाइंट से। तो आपका ये वाला भी एक डॉक्यूमेंट भी। इसके बाद में दोस्तों है हमारा एज बिल्ट या फिर फाइनल ड्राइंग्स। ये क्या होती है, सबसे पहले आप इसको ऐसे समझिए कि सपोज एक ट्रंकी बेसिस या फिर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि ट्रंकी बेसिस प्रोजेक्ट्स या ईपीसी बेसिस प्रोजेक्ट्स वो होते हैं कि जो इंजीनियरिंग का जो पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्टर के ही स्कोप में रहता है, यानी कि जो ड्राइंगें बनानी है वो कॉन्ट्रैक्टर को ही बनानी होती हैं और खुद उसको ही सारा कंस्ट्रक्शन का काम करना होता है। तो उस केस में क्लाइंट को क्या चाहिए कि जो आपकी ड्राइंग आई थी इनिशियल स्टेजेस से और सपोज वो 2 से 3 साल तक काम चला, तो उसमें बहुत सारे रिविजन्स वगैरह चलते रहते हैं जैसा कि आपने साइट पे देखा होगा, लेकिन जो बिल्डिंग जिस ड्राइंग के बेस पे बनी हुई है तो उसको बोलते हैं एज बिल्ट ड्राइंग, और ये आपकी फाइनल बिल के साथ जरूर सबमिट होती है, क्योंकि जो क्लाइंट है जब वो बिल्डिंग का हैंडओवर लेगा तो उसके पास एज बिल्ट ड्राइंग का होना बहुत जरूरी है फॉर फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अगर उसमें कुछ चेंजेस होंगे वो कैसे करने हैं, कौन सी वायर कहाँ से गई हुई है, किस पैनल का कनेक्शन कैसे है, यानी कि एज बिल्ट ड्राइंग में आपका आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल यानी कि जो भी एक पूरा प्रोसेस है उस बिल्डिंग को बनाने में ड्राइंग से रिलेटेड, तो कॉन्ट्रैक्टर एक समराइज करेगा सारी ड्राइंगों का और उसकी उसको सॉफ्ट कॉपी प्लस हार्ड कॉपी वो दोनों सबमिट करेगा। तो ये चीज़ को आपको जरूर ध्यान में रखना है और ये बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसके बाद में लास्ट है हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ कंसर्न पर्सन फॉर डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड, यानी कि एक इसमें हमारी क्लॉज होती है डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड की। सपोज वर्चुअल कंप्लीशन डेट अगर जो सर्टिफिकेट दिया गया है अगर वो आज की डेट में बनाया गया है तो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड का जितना पीरियड उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएलपी, अगर वो 12 मंथ्स की है तो यानी कि आज की डेट में अगर आपका वर्चुअल कंप्लीशन सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया है क्लाइंट ने तो आज की डेट से ये आपका डीएलपी पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और यही डीएलपी पीरियड के खत्म हो जाने के बाद, यानी कि अगर सपोज आपका डीएलपी 12 मंथ्स का है फ्रॉम द डेट ऑफ वर्चुअल कंप्लीशन, तो यानी कि 12 महीने का जो पीरियड होगा तो उसमें जो भी रेक्टिफिकेशन का काम होगा वो आपके कॉन्ट्रैक्टर के, यानी कि एज बिल्ड ड्राइंग में आपका आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल यानी कि जो भी एक
पूरा प्रोसेस है उस बिल्डिंग को बनाने में ड्राइंग से रिलेटेड। तो कॉन्ट्रैक्टर एक समराइज करेगा सारी ड्राइंगों का और उसकी उसको सॉफ्ट कॉपी प्लस हार्ड कॉपी वो दोनों सबमिट करेगा। तो ये चीज़ को आपको जरूर ध्यान में रखना है और ये बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसके बाद में लास्ट है हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ कंसर्न पर्सन फॉर डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड। यानी कि एक इसमें हमारी क्लॉज होती है डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड की। सपोज वर्चुअल कंप्लीशन डेट अगर जो सर्टिफिकेट दिया गया है अगर वो आज की डेट में बनाया गया है तो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड का जितना पीरियड उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं डीएलपी, अगर वो 12 मंथ्स की है तो यानी कि आज की डेट में अगर आपका वर्चुअल कंप्लीशन सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया है क्लाइंट ने तो आज की डेट से ये आपका डीएलपी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और यही डीएलपी पीरियड के खत्म हो जाने के बाद यानी कि अगर सपोज आपका डीएलपी 12 मंथ्स का है फ्रॉम द डेट ऑफ वर्चुअल कंप्लीशन तो यानी कि 12 महीने का जो पीरियड होगा तो उसमें जो भी रेक्टिफिकेशन का काम होगा वो आपके कॉन्ट्रैक्टर के रिस्क एंड कॉस्ट पे यानी कि डीएलपी के अंदर कॉन्ट्रैक्टर किसी भी रेक्टिफिकेशन का पैसा क्लेम नहीं कर सकता है वो क्लाइंट से। तो ये हमारा एक पूरा प्रोसेस होता है डीएलपी का। इसके बाद में और जब आपका डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड पूरा हो जाता है तो इस वर्चुअल की जगह आ जाता है सक्सेसफुल कंप्लीशन। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है वर्चुअल और सक्सेसफुल कंप्लीशन में। इसके बाद में जो हमारी अगली कंडीशन आ जाती है जैसे कि मे बी ये कंडीशन हो सकती है, इन चार पॉइंट्स को और हम फोकस करेंगे। सबसे पहला है जनरली सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनल बिल्ड टेक मिनिमम 19 डेज। यानी कि जो एक क्लाइंट है अगर कॉन्ट्रैक्टर ने बिल सबमिट किया है आज की डेट में तो क्लाइंट उसको बिल को चेक करने में 90 दिनों का टाइम ले सकता है। तो ये एक आपकी जनरल क्लॉज होती है। इसके बाद में परफॉर्मेंस गारंटी या फिर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट उसका सबमिट हुआ है परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के केस में और जैसा कि उसने काम खत्म कर दिया है टाइम पे या जैसे भी तो उसकी परफॉर्मेंस गारंटी का या फिर जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट की मनी होगी वो भी रिलीज्ड हो जाती है फाइनल बिल के केस में। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में जो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी है वो रिलीज की जाती है डिफेक्ट लाइबिलिटी पूरा होने के बाद में। ये दो केसेस होते हैं। तो ये मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिए। इसके बाद में जो हमारी ईएमडी होती है यानी कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ये बहुत ही टॉप मोस्ट एक इंटरव्यू क्वेश्चन है बिलिंग इंजीनियर्स के लिए यानी कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट आपकी कब रिलीज की जाती है। तो मैं बता दूं जो कॉन्ट्रैक्टर उस साइट पे काम कर रहा है जिसको काम अवार्ड हुआ है तो उसकी ईएमडी हमेशा फाइनल बिल के बाद ही रिलीज होती है। और ये ईएमडी सबमिट कब की थी इसने, जब इसने उस टेंडर को भरा था। यानी कि आज के अगर मैं मान लेता हूं कि आज के 3 साल पहले अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता तो 3 साल पहले इसने ये ईएमडी का चेक डीडी या फिर ड्राफ्ट सबमिट किया होगा लेकिन जब इसने काम खत्म कर दिया है जब ये फाइनल बिल सबमिट कर रहा है तब ये आपकी ईएमडी रिलीज होती है। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए। इसके बाद में एक केस और हो सकता है हमारा जो आपकी रिटेंशन मनी होल्ड होती है यानी कि जो भी आपके आरए बिल सबमिट किए गए होंगे तो फर्स्ट आरए बिल से लेके फाइनल बिल तक का जितना भी रिटेंशन मनी होल्ड किया गया होगा वो किस लिए हम लोग करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, वो करते हैं डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड के लिए। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्टर डिनाई कर देता है किसी भी रेक्टिफिकेशन को ठीक करने के लिए विद इन दी डीएलपी पीरियड तो क्लाइंट रिजर्व रखता है इस राइट को यानी कि इस रिटेंशन मनी को कि वो जो भी रेक्टिफिकेशन कराएगा वो कॉन्ट्रैक्टर के इस रिटेंशन मनी के पैसे से ही कराएगा। दूसरी चीज एक कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज हो सकती है यानी कि ये केस पे डिपेंड करेगा यानी कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंड होगा तो उसमें एक क्लॉज और एड हो सकती है कि ये जो रिटेंशन मनी है ये आपके फाइनल बिल के साथ भी रिलीज किया जा सकता है। उस केस में होगी जब कॉन्ट्रैक्टर ऑन सबमिशन ऑफ बैंक गारंटी ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट यानी कि कॉन्ट्रैक्टर की जितनी रिटेंशन मनी उसके बिल से होल्ड हुई है तो उस अमाउंट की यानी कि उतने इक्विवेलेंट अमाउंट की अगर वो बैंक गारंटी सबमिट कर देता है
उसी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के लिए, यानी कि अगर वो आपका 12 मंथ्स का पीरियड है तो 12 महीने की अगर उसने बैंक गारंटी सबमिट कर दी तो वो आपकी रिलीज हो जाती है फाइनल बिल के केस में। तो ये सारे केसेस थे जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किए फाइनल बिल के लिए। आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, जानकारी मिली है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।